दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस मतलब IRFC स्टॉक के बारे में। देखिए आज IRFC एंड पूरे मार्केट में दोस्तों बड़ा करेक्शन देखने को मिला, एंड उस करेक्शन के पीछे दोस्तों सीबी का एक बड़ा अपडेट है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों यूएस के जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। तीसरा अगर सबसे बता बताऊं दोस्तों तो कल अपने भी जीडीपी के आंकड़े देखने को मिलेंगे। जीडीपी के आंकड़ों को देखते हुए अपने जो तो दोस्तों आरबीआई है अपना यहाँ पे जो रेपो रेट है वो डिसाइड करेगी कि रेपो रेट बढ़ाना है या घटाना है। तो इसका दोस्तों मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है। अगर सीबी की मैं बात करूँ क्या अपडेट है तो दोस्तों सीबी ने एक नया रूल लाया है। सीबी यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है जो एसेट मैनेजमेंट है उनको दोस्तों सख्ती सिखाया है कि आप जो मिड कैप वाले स्टॉक्स है आप देखिए जो म्यूचुअल फंड वगैरह क्या करते हैं निवेशकों का पैसा लेते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, उसके रिस्क के बारे में जो इन्वेस्टर है उनको पता नहीं होता है। तो उनके लिए दोस्तों सेबी ने कदम उठाया है। सेबी ने दोस्तों नया रूल लेके आई है कि जैसे कि आप अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा दे रही हो, म्यूचुअल फंड अगर मिड कैप में लगा रहा है एंड स्मॉल कैप में लगा रहा है या लार्ज कैप में लगा रहा है तो आपको उसका पता होगा। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों मिड कैप एंड जो आपका स्मॉल कैप इनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, जबकि ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ये आपको बताते नहीं कि इसमें रिस्क है। तो इसके पूरे रिस्क का डाटा इसको आप इनको आपको बताना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखेंगे तो आज म्यूचुअल फंड ने दोस्तों सेलिंग करी है, FI की तरफ से भी बिकवाली हुई है एंड पूरे ग्लोबली देखो चीन में रियल एस्टेट का यहाँ पे थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है तो वहां से प्रेशर था। दूसरी सबसे बड़ी चीज इंडियन मार्केट को ओवरबोर्ड बताया जा रहा था तो उसका प्रेशर आप कर सकते हैं। एंड टोटल अगर बताऊं मैं तो आज इंडियन मार्केट में मुनाफा वसूली हमें देखने को मिलेगी, इस वजह से पूरे मार्केट में प्रेशर है। एंड जो आपके IRFC वगैरह है दोस्तों इनमें कोई ज्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला मार्केट के देखते हुए, मार्केट भाई कम से 600-700 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। तो यहाँ पे IRFC में करना क्या है, IRFC में अपनी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, अपने को यहाँ पे 3-4 महीने के अंदर अपने को एक अच्छा रिटर्न मिल जाए अपना भी बस ये रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन से पहले 30 स्टॉक में आपको मौका मिल रहा है कि अगर करेक्शन दिखाते हैं तो उस करेक्शन को आप एक मौके के तौर पर लेना ठीक है। डाटा अगर देखा जाए पिछले 1 महीने का अगर आप देखेंगे तो 13-14% ये गिर चुका है एंड पिछले 6 महीने में दोस्तों लगभग अभी भी 200% के रिटर्न आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अब सोचो जिसने 200% का रिटर्न पाया है क्या वो यहाँ पे रुकेगा इस गिरावट को देखते हुए? ऑलराउंड दोस्तों 10-20% लोग रुकेंगे, अदर सारे प्रॉफिट होकर निकल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों क्या, अगर आपने पिछले 6 महीने पहले अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी आप देख लो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। क्यों, 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे ने वेट किया था। अब आप हाल ही रैली में खरीद के सोच रहे हैं कि भाई भागता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा भाई। एंड मैंने आपको पहले भी यहाँ पे सतर्क कर दिया था एंड बताया था कि भाई जो ये गिरावट हो रही है इसको आप ज्यादा मतलब ये ऐसा ना ले कि ज्यादा गिर जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ऐसा भी ना सोचे कि भाई हाल ही में आपको ये ब्लास्ट कर देगा एंड ऑलराउंड यहाँ पे 200+ चला जाएगा। तो देखो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी यहाँ पे नजर आने वाली है। अगर आज का डाटा बता दूं पहले आप तो देखिए निफ्टी दोस्तों कम से कम भाई 250 पॉइंट आज निफ्टी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो ये उसका ही नतीजा आप कर सकते हैं कि मार्केट गिरा है इसलिए स्टॉक इतना गिरा है। अराउंड 3% के आसपास की गिरावट में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड लो तो आज का दोस्तों 145.50 पैसे के आसपास की यहाँ पे गिरावट नजर आई। एंड जो वॉल्यूम थी स्टॉक आप देख सकते हो 4 करोड़ के आसपास आज शेयर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एमओ कोई ज्यादा खास नहीं है, मेन चीज हमारे लिए डिलीवरी रहने वाली है। 31% की डिलीवरी आई है, अराउंड 1 करोड़ 9 लाख शेयर यहाँ पे डिलीवर हुई जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए भाई तो वही 150 करोड़+ की इन्वेस्टमेंट आज नजर आई है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आने वाले जो 3-4 महीने का व्यू रख रहे हैं उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, डरना उनको है जो यहाँ पे 10-12 दिन के लिए आए हैं भाई, क्योंकि आपको रिटर्न आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा स्टॉक ठीक है ना। तो यहाँ पे 10-12 दिन में कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं आने वाला है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। इन चार्ट पैटर्न का भी डाटा यही है कि स्टॉक भाई हमेशा कंसोलिडेट करता है उसके बाद तेजी दिखाता है। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें, ऑफर्स वगैरह अभी टाइम आए नहीं, ऑफर्स आते आपको अपडेट करेंगे, ऑफर्स कब आएगा सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों डाटा हम देख लेते हैं कि आगे क्या होगा, कि कल भी दोस्तों अगर मार्केट वोलेटिलिटी में रहता है तो क्या 140 जाएगा, 140 से पहले रिवर्सल कर ले, क्योंकि भाई कमेंट बॉक्स में देखा मैंने कई लोग बोल रहे कि 120 जाएगा, कई बोल रहे कि भाई ये तो 100 रुपये जाएगा। इतना भाई गिर सकता है या नहीं गिर सकता, क्या स्टॉक की वैल्यू हुई इतनी, या ध्यान कर सकते कि भाई और देखने को मिल जाए। एंड पिछली बार 130 रुपये का सपोर्ट बना था तो इजिली सबसे इंपोर्टेंट सपोर्ट हमें 130 का ही देखने को मिल रहा है। करेक्शन भाई आ सकता है 130 रुपये तक, आप ऐसे मत करना कि नहीं आएगा, डेफिनेटली 130 रुपये तक देखने को मिल सकता है, आएगा नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी बनेगी तो भाई यहाँ तक तो दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये 100 रुपये तक आएगा तो इतना तो भाई नहीं गिरने वाला है, 100 खेच के मान के चलो कि 130 आ जाएगा। तो 130 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइंग जो लेवल है वो बनेगा, वहां तक आता है। और ये दोस्तों 135 पर भी मिलता है तो आपको बाई करना है, 145 से ही स्टार्ट कर दो यहाँ पे, अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी धीरे धीरे खरीदना, नीचे जाता है जाओ और खरीदते जाओ, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेट के बाद फिर से रैली आएगी, अगेन स्टॉक यहाँ से कम दोस्तों 300+ होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को कर ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता है।